आज आप लोगों ने सॉन्ग देखा, कितना मजा आया आप लोगों को तो सॉन्ग देखकर। बहुत ही बहुत मजा आया। अच्छी थी, स्टेबिन ने गाया है, सचिन सर की म्यूजिक, सचिन सर की म्यूजिक, बहुत 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 बढ़िया, तो बहुत ही मजा आया। गाने की बात करें, कितना मजा आया गाना सुना, तो वही तो बोला भाई, तो बोला मजा आया ना सुन के, कितना मजा आया। मतलब गाने में ऐसी क्या बात आपको जो क्वालिटी है, केमिस्ट्री अच्छी थी, आदिल और रविका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, आवाज अच्छा था, शूट अच्छा हुआ है, प्लस हमारे जनक भाई के साथ अच्छे रिलेशन भी है, अच्छे रिलेशन भी है। और बहुत दिनों के बाद आप लोग एक साथ दिख रहे हैं, मिसिंग कर रहा हूं मैम को, तो क्या कहना। मैम बीमार है यार थोड़ी, वो लोग शूट से आए आर्मेनिया से, तो थोड़ी बीमार चल रही है, इसलिए नहीं आ पाई। आज सुबह समझ रहे हो 6:30 बजे लैंड हुए हैं, तो क्या हुआ, तबीयत कैसी है, मतलब थोड़ा कुछ आप बताइए। मतलब तबीयत कैसी है, मतलब ऐसे बीमार नहीं है, टायर्ड, हां टायर्ड, थकावट टाइप। और किस तरह का प्रोजेक्ट करके आप लोग, कोई सॉन्ग करके आए, शूट करके? मैं जाऊंगा, ये दोनों करके आया। मैं, मेरे लाइफ का मैंने पहला गाना गाया है, मेरा पहला ओरिजिनल। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, निकल रहे हो? और दिवाली के आस पास गाना रिलीज होगा, तो बस। और आप जाने वाले हैं तो क्या है वो, थोड़ा कुछ आप बता। मैं जाने वाला हूँ, सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मैं शूट करूँगा, मैं तो कुछ बता तो सकता नहीं हूँ कि गाना क्या है क्या है, बट बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सॉन्ग शूट करने के लिए, रामजी पाजी के साथ है। Okay, Armenia is beautiful. We'll enjoy, bro. चलो नाइस। ओके आशिका जी, आप गए थे बिग बॉस में, तो आप लोग किसी को सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस में? मैं आशिका को सपोर्ट कर रहा हूं। आशिका जी आप बताइए, मतलब किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? तीन दिगाड़ों को सपोर्ट करती है फिलहाल तो, ये प्रतीक को सपोर्ट कर रही हूं। अच्छा, तीन दिगाड़ को नहीं कर रही? नहीं, प्रतीक को बिग बॉस में तीन दिगाड़ों को नहीं कर रही सपोर्ट? नहीं यार, और क्या, प्रतीक सेजल को सपोर्ट कर रही है। सेजल, सेजल तो नहीं, सेजपाल है वो। हाँ, ये डालना है। तो भाविन आप देख रहे हैं भूत में बिग बॉस? मैं बस इस साल का सीजन मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं बाकी हर सीजन देखता हूँ, इसलिए मुझे कोई कंटेस्टेंट नहीं पता। मुझे पता नहीं मेरा दोस्त वोस्त है कि नहीं है इसमें। आई गेस दिव्या है, प्रतीक है, नेहा बसिन है, और शमिता शेट्टी जीत पाई है ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? अच्छा, क्यों क्यों ऐसी खबरें आ रही है कि शमिता को ही जिताएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं है, पता नहीं यार, वो वोट्स, वो तो वोट्स के हिसाब से है ना, बना देती है वो, जो ऑडियंस का प्यार होगा वही जीतेगा, ऐसी हमें खबर मिली है, मालूम नहीं। पर मीडिया भी ज्यादा जानती है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है यार, ये इंडस्ट्री है मेरे भाई। आप लोगों ने सॉन्ग शूट किया है आशिका के साथ, कब आप लोग? जब आशिका बोले, मेरा आशिका के साथ तो एक आ चुका ऑलरेडी, आपने देखा नहीं क्या? देखा है मैंने, देखा है। अच्छा, तीन तिगाड़ा एक साथ, मेरा जिस दिन आशिका के साथ सॉन्ग आएगा ना, वो मेरा खुद का गाना होगा, मेरा खुद का लिखा हुआ, खुद का कंपोज किया, खुद का गाया हुआ। क्या बात है, आई एम वेटिंग फॉर इट। कोई मुझे बुलाएगा भी ना दूसरा कोई लेवल के आशिका के साथ, तब मैं मना करूंगा, क्योंकि मैं मुझे चाहिए कि हम पहला डेब्यू जब साथ में करें तब मेरा गाना हो। ओके, अगर हम बात करें गुजराती में भी आप लोग धमाल मचाते हैं गुजराती। मैं भाविन तो है वहाँ का, भाविन ने बहुत सारे सॉन्ग किए, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ आर्मेनिया से आने के बाद ही मैं एक बहुत ही बड़ा गुजराती सॉन्ग शूट कर रहा हूँ, मैं तो बोला भी था, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा रिहर्सल करना पड़ेगा, गरबा खेलना पड़ेगा, तो आखिर में अपने फैंस से कुछ कहना चाहिए? बस यही कहेंगे, जैसा प्यार आप करते हो हमेशा करते रहना, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और तीन दिगाड़ा का सॉन्ग बहुत जल्दी आएगा। हाँ जी, कब तक आ जाएगा? कब तक तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बहुत जल्दी आएगा और बहुत ही बड़ा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, चाहता हूं आप सब आए, आशिका के साथ भी आए, धमाल मचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बाय।